मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। मैंने एक दिन छोटे छोटे ये हिसाब निकाले तो पता चला कि 2,32,000 करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं अगर जिंदगी में एक सूत्र पालन करें, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जीवन सरल हो, विचार उच्च से उच्चतम, इतने से ही 2,32,000 करोड़ बचा सकते। तो आप बचाने की कोशिश करो। अगर आपकी जिंदगी एक जोड़े जूते में चलती है तो दूसरा मत खरीदो तब तक जब तक वो फटे नहीं। एक जोड़े चप्पल में जिंदगी चलती है तब तक मत खरीदो जब तक वो फटे नहीं। दो शर्ट दो पैंट जब तक चल रहे हैं तब तक दूसरा मत बनवाओ जब तक पहला फटे नहीं। इस तरह का सोचना अगर हम शुरू कर दें, भगवान ने हमें गरीब नहीं बनाया, लेकिन हम गरीबी को समझकर सोचकर अपने जीवन में धारण करें ताकि 84 करोड़ हमारे गरीब अमीर हो जाएं, समृद्धशाली हो जाएं, वैभवशाली हो। हमें उनके लिए ये सोचना है। आप बस अपने जीवन में करो। और भारत का हर महान व्यक्ति यही किया। गांधी जी को देखो, बैरिस्टर पास, LLB LLM सब किया, टाई लगाने वाले, सूट पहनने वाले, कोट पहनने वाले सब छोड़ दिया, लंगोटी धारण कर लिया। उसी दिन से देश ने उनको महात्मा कहना शुरू कर दिया। श्री राम ने घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, सुविधाएं छोड़ दी, वन में चले गए, कष्ट झेलना शुरू किया, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहना हमने शुरू किया। महावीर ने जब अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वैभव छोड़ा, संसार छोड़ा, तो हमने उसको तीर्थांकर कहना शुरू कर दिया, भगवान मान लिया। गौतम बुद्ध ने जब सब कुछ छोड़ा, महल सुख सुविधाएं, तब उनको महात्मा कहा गया। इस देश में जिसने जितना ज्यादा त्याग किया वो उतने ही ऊंचे सिंहासन पर बैठा, यही हमारी परंपरा है। भोग करना हमारी परंपरा नहीं है, त्याग करना। और त्याग करना तो देश के लिए, समाज के लिए, अपने भाई बांधवों के लिए। ये सोचकर अगर हम अपने जीवन को फिर से रीडिजाइन करें तो बहुत लाभ इस देश को होता है। और एक छोटी सी बात और कि आप कुछ अपने जीवन में ऐसा करो, खर्चा और कम हो सकता है। बीमार पड़ना बंद कर दो, बहुत खर्चा बचेगा। हर साल हम 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं बीमारियों के इलाज पर, और इलाज नहीं हो पाता, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, ना ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, ना डायबिटीज ठीक हो रही है, ना हार्ट अटैक, ना कार्डियक अरेस्ट, ना ब्रेन हेमरेज, एक भी बीमारी ठीक नहीं हो रही। 6.5 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं हर साल। तो रास्ता क्या है? बीमार पड़ना बंद करो तभी बीमारी ठीक होगी। बीमार पड़कर इलाज करें और पैसा खर्च करें, ये तो मूर्खता है, बीमारी ना पड़े। थोड़ा आयुर्वेद के मोटे मोटे कुछ नियम अपने जीवन में आप जान लो तो बीमारियां आएंगी ही नहीं। आयुर्वेद में एक बड़े महान व्यक्ति हुए, उनका नाम था बाघभट्ट। जैसे चरक थे ना सुश्रुत, वैसे ही बाघभट्ट। उन्होंने कुछ नियम बनाए और उनका यह कहना है कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करे बीमारी नहीं पड़ सकता। आप उन नियमों का पालन कर लो, बहुत आसान नियम है। महर्षि बाघभट्ट कहते हैं वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखो तो बीमारी आएगी नहीं। बस इतनी सी बात है। अब वात पित्त कफ को संतुलित रखने के लिए क्या क्या करें, 3-4 उनके छोटे छोटे नियम आप अगर कर लो तो बहुत अच्छा है। उनका पहला नियम है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो, पानी 1 से 1.5 घंटे के बाद पियो। क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं ना तो पेट में अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं, वही खाने को पचाती है। अब आप खाना खाते ही पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि शांत हो जाती है, फिर खाने के पचने का काम बंद हो जाता है, फिर खाना सड़ता है और सड़ा हुआ खाना 100 से ज़्यादा रोग पैदा करता है। इसलिए कहा गया भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, मत पियो, 1-1.5 घंटे बाद पियो। दूसरा उनका नियम है पानी घूट घूट भर के पियो, 1-1 सिप। क्यों? मुंह की लार है ना वो पूरी पानी में मिलके अंदर जानी चाहिए, क्योंकि ये मुंह की लार है ना ये क्षारीय है और पेट में अम्ल बनता है। क्षार और अम्ल अगर मिलता रहे तो न्यूट्रल कर देता है एक दूसरे को, तो पेट न्यूट्रल रहे तो जिंदगी में बीमारी नहीं आती। इसलिए पानी घूट घूट पियो, 1-1 सिप करके।
आप पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, एक एक घूंट पानी पीते, चिड़िया को देखो पानी पीते हुए, एक एक ड्रॉप पानी का उठाती है, एक बूंद, फिर ऐसे ऐसे मुंह चलाती है, फिर पीती है। सभी जानवरों को देखो, कुत्ता पानी चाट चाट के पीता है, शेर, चीता, लकड़भग्गा, ये सब पानी को सिप करके पीते हैं। और किसी चिड़िया को आपने ओवरवेट नहीं देखा होगा, किसी जानवर को डायबिटीज नहीं है, कोई ओवरवेट नहीं है, क्यों? सब सिप करके पानी पीते हैं। मनुष्य है जो घटाघट 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 पीता है और वजन के लिए, फिर डायबिटीज के लिए परेशान है, अर्थराइटिस से परेशान है। आप पानी सिप सिप पीने लगो, बहुत फायदा है इसका, इतना फायदा है कि आप सोच नहीं सकते। तो पहला नियम है खाने के एक डेढ़ घंटे बाद पानी पियो, दूसरा नियम पानी घूट घूट पियो, तीसरा नियम है बागवट जी का, सवेरे सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पियो, दिन की शुरुआत पानी से करो, बिना मुंह धोए पानी पियो, बिना कुल्ला किए पानी पियो, रात की मुंह की लार जो जमा हो गई ना वो सब पेट में लेके जाओ, थूको मत, क्योंकि वो बहुत कीमती है। सुबह सुबह क्या होता है, पेट खाली होता है तो उस समय एसिड सबसे ज्यादा पेट में बनता है, तो मुंह की लार पेट में जाए तो उसको शांत करती है, इसलिए उठते ही पानी पियो, कम से कम 2-3 गिलास, फिर उसके बाद टॉयलेट में जाओ। चौथा नियम है ठंडा पानी कभी मत पियो, गलती से भी मत पीना, कितनी भी प्यास लगे, तेज गला सूखता हो, ठंडा नहीं पीना, सादा पानी पीना या गुनगुना पीना। क्यों? ठंडा पानी पीते ही सारी गड़बड़ होती है, पेट तो गर्म है, पानी तो ठंडा है, गर्म पेट में ठंडा पानी डालेंगे तो पेट पानी को गर्म करेगा, नहीं तो आप मर जाएंगे। पानी अगर पेट में ठंडा बना रहे 3 मिनट तक तो लीवर, किडनी सारे फंक्शन बंद कर देते हैं, क्योंकि लीवर और किडनी को फंक्शन करने के लिए गर्मी चाहिए, ठंडापन नहीं चाहिए, हार्ट फंक्शन बंद कर देता है। तो 3 मिनट में वो पानी को गर्म करना पड़ता है पेट को, और पानी गर्म करने के लिए ऊर्जा चाहिए, गर्मी चाहिए, गर्मी कहां से आएगी, खून में से, तो सारे शरीर का खून पानी को गर्म करने में लग जाता है, तो 3 मिनट तक शरीर के सभी अंगों में खून की कमी आ जाती है। और एक दिन में 10 गिलास आपने ठंडा पानी पिया तो 3 मिनट के हिसाब से सोचो 30 मिनट, और एक साल में हजारों गिलास पानी पिया तो सोचो, कोई अंग हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा अगर ब्लड की कमी ज्यादा हो गई तो, फिर बदल नहीं पाएंगे उसको आप। लीवर खराब हो गया तो ट्रांसप्लांट करने में 15 लाख का खर्चा है, किडनी खराब हो जाए तो 2.5-3 लाख का खर्चा, हार्ट खराब हो जाए तो 7-8 लाख का खर्चा, क्यों आप रिस्क ले रहे हैं? मत पियो ठंडा पानी। फ्रिज में पानी रखना बंद कर दो, फ्रिज पानी रखने के लिए नहीं है, दवा रखने के लिए है। तो आप मत पियो, दूसरे को मत पिलाओ, हमेशा सादा पानी पियो, गुनगुना पानी पियो, सर्दियों में तो बहुत अच्छा है, गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं, बारिश में तो पानी को उबाल कर ही पीना सबसे अच्छा, जॉन्डिस से भी बचेंगे। तो ये छोटे छोटे नियम है, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, पानी घूट घूट पीना, सवेरे उठते ही पहले पानी पीना, ठंडा पानी कभी नहीं पीना, पानी को हमेशा बैठ के पीना, खड़े 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 पिया हुआ पानी सब अर्थराइटिस का तकलीफ बढ़ाता है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, हमेशा बैठ के पीना। ऐसे ही खाना खाओ तो खाने को इतना चबाओ जितने आपके दांत, 32 दांत हैं तो 32 बार चबाओ, रोटी का टुकड़ा मुंह में रख के 32 बार चबाओ, लार के साथ घुल के पानी जैसा हो के अंदर जाएगा, बहुत अच्छी जिंदगी में सेहत रहेगी आपकी। खूब चबा के खाना खाओ। और एक दो छोटी छोटी बातें हैं कि खाना खाते समय 2 चीजें ऐसी साथ में ना हो जो एक दूसरे की विरोधी हैं, जैसे दूध और दही साथ में नहीं हो, प्याज खाना है तो दूध मत खाओ, दही खाना है तो प्याज नहीं होना चाहिए, दही में नमक डाल के मत खाओ, मीठी चीज डाल के खाओ, नहीं तो सादा दही खाओ। दही में नमक डालना माने दही का सत्यानाश करना, दही जो है ना छोटे छोटे जीवाणुओं का घर है, लैक्टोबैक्टीरिया सबसे ज़्यादा दही में है, वो जीवित चाहिए शरीर को, जैसे ही एक चुटकी नमक डालते हैं सब मर जाते हैं, फिर दही खा रहे हैं तो जीवाणुओं की लाश खा रहे हैं, इसलिए आयुर्वेद कहता है दही में कभी भी नमक नहीं डाल के खाना, बूरा डाल के खा सकते हैं, मिठाई डाल के खा सकते हैं, नमक नहीं। और नमक डालने की कोई मजबूरी हो तो सेंधा नमक डालें, काला नमक, सादा नमक नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हम हमारे जीवन में पालन करते हैं तो बीमारी आती नहीं, तो खर्चा बचता है, तो देश की आमदनी बढ़ती है।
तो ये एक रास्ता है देश को बेहतर बनाने का, अपने जीवन को सुखी बनाए। हमारे देश में ही ये कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, ये भारत में ही है प्रार्थना और कहीं नहीं। तो इस प्रार्थना को हम हमारे जीवन में उतारें, हम सुखी बने, दूसरों को सुखी बनाएं। ये छोटी छोटी ज्ञान की बातें आपने सीखी, दूसरों को सिखाएं, सारे देश में, घर घर में, गली गली, गांव गांव, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। ये एक बड़ा काम और आप कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो ये मेरी आपसे व्यक्तिगत अपील है कि थोड़ा जीवन बदलिए, सिंपल थिंकिंग एंड हाई थिंकिंग में जाइए, फालतू खर्चे मत करिए। और जो काम करने से देश का पैसा बेकार होता हो, विदेश में जाता हो, तो बिल्कुल मत करिए। माने विदेशी वस्तु गलती से भी मत खरीदिए, बस मन में संकल्प आप करें। तो ये छोटे छोटे कुछ संकल्प आप करें देश के लिए, समाज के लिए, ये निवेदन करने आया। इतनी देर मैंने आपसे ये सब बातें की, आपने बड़े ध्यान से सुनी, मैं आपका आभारी हूँ। आप इन बातों को दूसरों को सुनाएंगे और भी आभारी रहूंगा।